दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट मी टू। वहीं ये ट्विटर पर ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसकी भी एक वजह है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो है वो इस पोस्ट को लेकर ट्वीट किया, और प्रियंका गांधी ने तो अपना डीपी में से अपना फोटो हटा दिया और इसी पोस्ट को अपने डीपी में यानी कि अपने डिस्प्ले फोटो में जो है वो ट्विटर पर लगा दिया है। और राहुल गांधी ने इसे ट्वीट करते हुए कहा है और मोदी सरकार को चैलेंज दिया है कि मुझे भी गिरफ्तार करिए, और उसमें यही लिखा है कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और उसमें लिखा है अरेस्ट मी टू। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के अंदर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे, उन पोस्टर्स पर जो चीज लिखी हुई थी वो इतनी खतरनाक ऐसी नहीं थी, या वो कोई असंसदीय भाषा भी नहीं थी कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल दिल्ली में जो पोस्टर लगे थे उन पोस्टरों में लिखा था, मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। इस तरह के पोस्टर जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगे हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। जहां जहां पोस्टर लगे हुए थे, कई वीडियो इस तरह के सामने आए कि पुलिस खुद जाकर उस वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस खुद जाकर पोस्टरों को फाड़ रही है, पोस्टरों को उतार रही है। और आनन फानन में पुलिस ने जो है वो इस मामले में गिरफ्तार 25 लोगों को कर लिया, FIR दर्ज की गई और 25 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई, ये जो लोग सवाल कर रहे थे इसमें नया क्या था या इसमें गलत क्या था। क्या अब आप महापुरुष से सवाल भी नहीं कर सकते, क्या देश में आजादी नाम की कोई चीज है या नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि इस पोस्टर्स में गलत क्या लिखा है, इस पोस्टर्स में सिर्फ पूछा ही तो है कि मोदी जी, आपने हमारी बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी। क्योंकि इसमें गलत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले खबर आई थी कि 6 करोड़ वैक्सीन जो है वो विदेशों में भेजी गई, और उसके बाद में जब हर जगह पर मोदी सरकार की फजीहत होने लगी तो बीजेपी ने खुद आगे आकर कहा कि 6 करोड़ नहीं, 1 करोड़ वैक्सीन विदेश में भेजी गई है विदेशों में। तो ये तो बात साफ है कि वैक्सीन जो है वो विदेशों में भेजी गई है। दूसरा ये कि मोदी जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेक इन इंडिया के नाम पर, आप जनता को, देश की जनता को गुमराह करके ये बता रहे थे कि मेक इन इंडिया के तहत बनी वैक्सीन को जो है वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है, और बाद में ये कहा कि हम दान कर रहे हैं, दान में ये वैक्सीन दी गई है। आप ऐसे कैसे दानवीर हो कि आपके देश में लोग मर रहे हैं, जनता के पास वैक्सीन नहीं है, कई जगहों पर जो वैक्सीन केंद्र थे वो बंद कर दिए गए क्योंकि वैक्सीन नहीं है, आपके देश में जनता के लिए वैक्सीन नहीं है, और आप इतने बड़े दानवीर हो कि आप मेक इन इंडिया के तहत बनी वैक्सीन को आप विदेशों में भेज रहे हो और खुद की पीठ थपथपा रहे हो। मोदी जी, आपने झूठ कहा, आपने जनता को गुमराह किया, आपने जनता से झूठ बोलने का पाप किया है मोदी जी। क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेक इन इंडिया में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं तो ये भी कहूंगा कि अब कुछ पत्रकारों को आगे आना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इस बात का कि जो आदर्श गांव बनाने की बात मोदी जी ने कही थी, जो सांसदों को दिए गए थे, मोदी जी के 300 से ज्यादा जो सांसद हैं बीजेपी के, उन सांसदों के जो आदर्श गांव हैं, जो उनके जो समर्थक जो पार्टियां हैं जो केंद्र सरकार में समर्थन दे रही है मोदी सरकार को, उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, जिन लोगों ने आदर्श गांव के नाम पर, जो आदर्श ग्राम योजना के नाम पर जो गांवों को गोद लिया था, उन गांवों की क्या हालत है, उन गांवों में कितने कोरोना के केसेस हैं, उन गांवों में कितने लोग मरे, ये तमाम चीजें बाहर आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और किस तरीके से जनता को बहुत गलत तरीके पर जो है वो उनको ये इस तरह का गुमराह किया गया है। क्योंकि आदर्श गांव की आप बात करते हैं, आपने काशी को क्योटो बनाने की बात की थी, लेकिन काशी के कई वीडियोज और फोटोज हमने देखे कितने बुरे हाल वहां पर हैं। गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने उन शवों को बुलाया था क्या मोदी जी, गंगा मैया ने तो आपको बुलाया था ना, तो फिर शव कैसे तैर रहे हैं गंगा मैया में, इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। दूसरा, जैसा हमने कहा कि दिल्ली में जो 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो 25 लोगों में कौन है, वो 25 लोगों में 19 साल का लड़का है जो पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ चुका था,
उन 25 लोगों में एक ऑटो ड्राइवर है, उन 25 लोगों में एक 61 साल का बुजुर्ग दहाड़ी मजदूर है, उन्हें गिरफ्तार किया है दिल्ली की पुलिस ने। मैं तो यह भी कहूंगा कि यह इंक्वायरी की जानी चाहिए कि क्या ये ऊपर से ऑर्डर दिया गया था पुलिस को। अगर पुलिस ने अपनी मर्जी से किया है ये, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने ये कार्रवाई की, पोस्टरों को उतार कर फेंका, लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तो कुछ लोगों ने यह भी कहा, गिरफ्तार किए हुए लोगों ने, कि हमें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर दिए गए थे और हमें 500 रुपए 400 रुपए इस तरह का पैसा जो है वो हमको देने की बात की गई थी और इस वजह से हमने ये पोस्टर जो है वो लगाए हैं। लेकिन बात यही आती है कि दिल्ली के शाहदरा में, रोहिणी में, रिठाला में, द्वारका में, कई जगहों पर जो ये पोस्टर लगे थे, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं था मोदी जी। इसमें ना आपका अपमान किया गया था, ना आपके या आपकी पार्टी के या आपके पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, और ना ही ये कुछ गलत सवाल था, ये एक जायज सवाल है। तो क्या सवाल नहीं पूछ सकते हैं मोदी जी? तो क्या मोदी जी ये मान लिया जाए कि जो विदेशी अखबारों ने जो बातें कही कि मोदी के पास में दो ऑप्शन थे कि आप या तो अपनी इमेज को बचाइए या अपने देश की जनता को मरते हुए बचाइए, तो आपने अपनी इमेज को चुन लिया और यही उसका एक नमूना, उसका उदाहरण जो है वो यही है कि आपकी इमेज खराब ना हो, इस वजह से आनंद फानन में दिल्ली पुलिस कोरोना काल में जो है वो इतनी एक्टिव हो गई कि उसने 25 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। यहां से ये बात भी एक होती है कि इनिशिएटिव लेना, पुलिस जो है वो चाहे वो काम कर सकती है। आप जाइए, आप पुलिस में जाकर FIR करवाइए कि हमारा मोबाइल चोरी हो चुका है भाई, आप देखिए पुलिस आपको क्या करती है। आपको या तो गलत तरीके से डरा कर, धमका कर, कुछ भी करके आपको या तो वापस भेज देगी, और अगर आपकी FIR लेगी तो उस पर कोई कार्रवाई सही से नहीं होती है। अब ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप देख लीजिए, आपके किसी के मोबाइल खो गए अगर, तो क्या आपको अपना मोबाइल मिला है? 100 में से कितने लोगों को अपना मोबाइल वापस मिला होगा? दूसरा, चोरी के कई मामले होते हैं इस तरह के, क्या पुलिस क्या कार्रवाई करती है उसमें? यहां पर किसी ने पोस्टर लगाया, पुलिस एक ही रात के अंदर पोस्टर लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया, पोस्टर जिस ऑटो में आया था या उसको गिरफ्तार कर लिया, पोस्टर जिसने फ्रेमिंग किया था उसको गिरफ्तार कर लिया, पोस्टर जहां पर प्रिंट किया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया, यहां तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई। तो यानी कि पुलिस चाहे वो काम कर सकती है, इनिशिएट लेने की वो है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले गलत होते हैं, बिल्कुल अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन जिस तरह की जो कार्रवाई हो रही है इस पर यकीनन सवाल उठते हैं कि आखिरकार किस तरफ ले जाया जा रहा है देश को। क्योंकि अब यह बात भी आती है कि हम पुलिस पर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल हम उठाते हैं पुलिस पर सवाल, क्योंकि पिछले दिनों गुजरात का एक मामला था, भाजपा के एक नेता को किसी ने फोन करके कहा कि आपने गलत किया, ये वैक्सीन की कमी है, यहां पर इंजेक्शन की कमी है, अस्पतालों की कमी है, लोग हमको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, हम कार्यकर्ता हैं भाजपा के और हमको जो है वो भुगतना पड़ेगा, और ये तमाम चीजें उसने कही कि आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप सोचिए, बीजेपी के जिस नेता को धमकी दी गई, उस नेता की शिकायत पर एक पुलिस अधिकारी ने, एक महिला पुलिस अधिकारी ने फोन किया उस व्यक्ति को और उसको धमकाया, उसे कहा कि मैं CID क्राइम से बात कर रही हूं, आपने फला फला बीजेपी के नेता को क्यों धमकाया? उस बंदे ने कहा, नहीं मैंने धमकाया नहीं है, मैं तो ऐसी बात कर रहा था, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। तो ये CID क्राइम की ऑफिसर है, ये कहती है कि मैं खुद बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मत धमकाओ, पार्टी के नेता हैं बड़े, वो लोग ये काम देखेंगे। तो ये यहां पर जानना होगा कि जो फोन किया गया था वो पुलिस अधिकारी के हैसियत से किया गया था या बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से किया गया था। तो इसका मतलब ये साफ है कि जब पुलिस के जो कर्मी होते हैं वो जब खड़े रहते हैं सड़कों पर, तो उनकी कार्रवाई पर इसीलिए सवाल उठता है कि आप RSS के कार्यकर्ता के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, या पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी की हैसियत से कार्रवाई कर रहे हैं। यह सवाल उठना लाजमी है क्योंकि पिछले दिनों जो पुलिस की कार्रवाइयां हुई है वाकई में सवालों के घेरे में है। और जैसा कि हमने बताया कि मोदी जी ने जो बातें कही कि इतनी वैक्सीन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेक इन इंडिया में हमने इतनी वैक्सीन बना दी, गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अब तो अमेरिका को हम ड्रग्स देंगे, गोलियां देंगे, दवाएं देंगे कोरोना की, हमने 1 करोड़ गोलियां अलग रख ली है। लेकिन हालत क्या है मोदी जी, आपके खुद के जहां से आप चुनाव जीत कर आए वाराणसी में, वहां की हालत क्या है, जहां पर आपने अपने चहेते योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस उत्तर प्रदेश की हालत क्या है?
आपके खुद के गृह राज्य गुजरात की हालत क्या है, यह हम सभी को पता है। आपने मेक इन इंडिया का झूठा तमगा लेकर आपने खुद की पीठ थपथपाई और लोगों को गुमराह किया। कुछ अनभक्त हैं जिनकी आंखें अब भी नहीं खुल रही है, लेकिन जल्द वक्त आएगा कि उनकी आंखें भी खुलेगी। दूसरा, जब आपके पास में इतनी सब वैक्सीन थी, आपने 1 करोड़ वैक्सीन भेज दी विदेश, तो यहां पर ऐसी नौबत आ गई कि वैक्सीन देने का बंद कर दिया गया। और अब बताया यह गया कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा तो आपने राज्य सरकारों पर डाल दिया। अब राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से जो है वो अलग अलग दवा की कंपनियां जो है उनको वैक्सीन बनाने के ऑर्डर दिए हैं। क्या रेट होंगे, क्या उसका क्या पैसा उनको दिया जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा, यहां पर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि आपको बिहार चुनाव याद है। बिहार चुनाव में भाजपा की तरफ से यह कहा गया था कि अगर भाजपा जीती तो वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बिहार के भाइयों से, क्या आपको वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है? कितना रुपया आपको देना पड़ रहा है वैक्सीन का? ये जाकर आप प्रधानमंत्री से पूछिए इस पर सवाल, आप गृह मंत्री से पूछिए सवाल कि आपने तो वादा किया था कि आप फ्री में वैक्सीन देंगे, आप मुफ्त में वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी कह देंगे जैसे 15 लाख का जुमला था, ये भी एक जुमला है। तो ये वो जो जुमले हैं जिसका खामियाजा देश को 2014 से लगातार भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।